किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसे देता हूं, पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूं, तो जिंदगी भर न वो लोग कुछ सीख पाएंगे न तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाए। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और है नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूं। पर यह तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब यह तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हां में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़े हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ ये आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। 3rd हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए जहां पर वो बच्चे काम करते थे, और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉयज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने पे खुश नहीं हो, मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूं। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूं। ये सैलरी सुनकर
उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो इसे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह, पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूं कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच भी लेकर आता है। रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड उन्हें पैसे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे ना होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या अपने दिल से। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, पर मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर, डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे ना भागे, जो खुद पैसे के लिए काम ना करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे।